अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कितने वैरायटी के हो सकते हैं, कितने सारे टाइप्स इसके हो सकते हैं। तो बेसिकली इनके टोटल तीन टाइप हो सकते हैं अगर इनकी इनका अगर हम कैरेक्टर देखें तो इनके कैरेक्टर के आधार पर, इनके शेप और साइज़ के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। एक है गुट्टेड सोरियासिस, जिसमें गुट्टा का मतलब होता है ड्रॉप, गुट्टा का मतलब होता है ड्रॉप, तो उसको वो देखने में एकदम वो ड्रॉप जैसे अपीयर करते हैं, इसलिए इनको गुट्टेड सोरियासिस कहा जाता है। ये जो गुट्टेड सोरियासिस है ये यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद देखने में आते हैं, और इसमें लीजन्स जो होते हैं वो ड्रॉपलेट शेप के होते हैं, इसमें स्केल्स बहुत कम होते हैं या यूजुअली एब्सेंट होते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है एक्सफोलिएटिव सोरियासिस, या इसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। तो जैसा कि नाम में ही है, इसमें एरिथ्रो का मतलब होता है लाल और डर्मिक का मतलब होता है डर्मा, इससे मतलब स्किन, तो एरिथ्रोडर्मिक यानी लाल स्किन, पूरा लाल स्किन हो जाता है, ये वैसा सोरियासिस है। इसी का दूसरा नाम है एक्सफोलिएटिव सोरियासिस। तो एब्यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स या एब्यूज़ ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स या एब्यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बाद जो सोरियासिस आता है वो इसके अंदर ज़्यादा देखा जाता है, एक्सफोलिएटिव सोरियासिस में या एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस में। इस सोरियासिस में पूरा शरीर लाल हो जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है पस्चुलर सोरियासिस। पस्चुलर सोरियासिस दो किस्म के हो सकते हैं, या तो जनरलाइज्ड होते हैं, पूरे शरीर पर फैले हुए होते हैं। अब जनरलाइज्ड ऑल ओवर बॉडी वाले पस्चुलर सोरियासिस में क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर भी सोरियासिस के इरप्शन होते हैं वहाँ एक थिक क्रस्ट बन जाएगा, उस क्रस्ट के नीचे पस बन जाएगा और पेशेंट को फीवर या जो पस फॉर्मेशन के बाद जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे सिम्टम्स वहाँ मौजूद हो जाएंगे। फीवर आने लगेगा, चिल्स आने लगेगा, अगर वो उसको प्रेस करेगा तो वहाँ से उस क्रस्ट के नीचे से पस निकल कर आ जाएगा। तो ये आपको जनरलाइज्ड ऑल ओवर बॉडी उसमें दिख सकता है, जनरलाइज्ड पस्चुलर सोरियासिस में। और दूसरा है लोकलाइज्ड, तो लोकलाइज्ड या तो पाम में हो सकता है या सोल में हो सकता है। इसमें छोटे इरप्शंस होते हैं लेकिन उसमें पस पॉकेट्स बने हुए होते हैं, इसके अंदर वो फीवर, चिल्स, राइगर्स वो सब नहीं आते उसके अंदर। अब ये तो टोटल तीन प्रकार हो गए उनके कैरेक्टर के हिसाब से, जिसमें गुट्टेड सोरियासिस है, एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस है और पस्चुलर सोरियासिस है। अब अगर साइट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें दो और प्रकार जुड़ जाते हैं कि जिस लोकेशन पर हैं वो, तो जैसे अगर पाम्स में है और सोल में है तो उसको पाम और सोरियासिस कहा जाता है, या सोल में है तो प्लांटर सोरियासिस कहा जाता है, अगर पाम और सोल दोनों में है तो उसको पाम और प्लांटर सोरियासिस कहा जाता है। और दूसरा वो स्थान होता है जहाँ पर स्किन फोल्ड होते हैं, जैसे ब्रेस्ट के नीचे, जैसे एक्सिलरी रीजन में, इसको कहा जाता है इन्वर्स सोरियासिस।